गुलबर्गा रिंग रोड की सर्विस रोड का वर्क स्टार्ट किए जाने पर एसडीपीआई से अली मिलाई ने कहा, कई सालों बाद आज सर्विस रोड पर सिटी कॉरपोरेशन की तरफ से एनक्रोचमेंट को हटाने का काम शुरू किया गया है, पर इसी तरह तेजी से मुकम्मल रोड बनने तक बिना रुकावट के काम चलता रहा तो आवाम के लिए सहूलत होगी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ एनएचएआई की है और साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर कॉरपोरेशन गैसकॉम की भी यहाँ जिम्मेदारी है कि वो रिंग रोड पर हो रहे एक्सीडेंट को रोकने के लिए जल्द सर्विस रोड पर काम मुकम्मल कराएं। अगर सिर्फ एनकरेजमेंट हटाकर बाकी काम को पेंडिंग रखा जाएगा तो इस काम का कोई फायदा नहीं होगा। और साथ ही अली मिलाई ने सर्विस रोड पर मौजूद सभी घर और दुकानदारों से गुजारिश की है कि कॉरपोरेशन की जेसीपी आने से पहले वो अपने अपने एनकरेजमेंट को हटा लें, वरना आपके सामान का नुकसान हो सकता है। मजीद इस मौके पर अली मिलाई ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर आज रिंग रोड की जो सर्विस रोड है खरगे पेट्रोल पंप से हुमनाबाद सर्कल तक, यहाँ पर जो भी सर्विस रोड पर इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए यहाँ पर जस्कॉम के और कॉरपोरेशन यानी गुलबर्गा महानगर पालिका के लोग आए हुए हैं। जो यहाँ पर इंक्रोचमेंट है उसको हटाने का काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इंक्रोचमेंट हटाने के हद तक नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर एनएचएआई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन जस्कॉम की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जब काम शुरू हो रहा, जब यहाँ पर जब बुलडेजर आया है, जब इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, तो इमीडिएटली उसके ऊपर काम भी शुरू होना ज़रूरी है। तो मैं आवाम से भी अपील करता हूँ और एनएचआई और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूँ कि आवाम से ये अपील है कि जो भी इंक्रोचमेंट है जेसीबी आने से पहले इंक्रोचमेंट हटाया जाए ताकि आपका कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। और दूसरी चीज़, मैं कॉरपोरेशन से और एनएचएआई से ये रिक्वेस्ट करता हूँ एसडीपीआई के जानिब से कि आप जब हटा रहे हैं तो उसके पीछे पीछे काम भी हमारा शुरू होना, नहीं तो ऐसा नहीं होना आप खोद को गए गाड़ने के वास्ते उन्होंने एक महीने के बाद नहीं आना, ये ऐसा नहीं होना काम। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि काम जब शुरू हुआ है तो पूरे अच्छे तरीके से काम होना। चुप हम एहतजाज करें प्रोटेस्ट करें, एफआईआर हुआ उसको बताने के वास्ते कहाँ तो भी खोद को गए जैसा नहीं रहना। खोदे बोले तो फिर हम गाड़ने के वास्ते दूसरों को लेकर आना पड़ता। तो 2 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, आप इमीडिएटली काम शुरू करना है और जो कुछ भी काम पेंडिंग है जस्कॉम का, वाटर बोर्ड का, कॉरपोरेशन का, एनएचएआई का, वो पूरा काम शुरू करना है। यही एसडीपीआई रिक्वेस्ट करती है। अगर ऐसा बोले तो ये जो रिंग रोड का काम है पूरा कंप्लीट हो अगर होना है, ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1 साल लगता। अब 1 साल लगो, 8 महीने लगो, लेकिन काम तो होना जरूरी है। ये रिंग रोड का काम कभी नहीं रुकना है, काम होना है, यही हमारी रिक्वेस्ट है।